आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। गेहूं के घोषित रेट और बाजार रेट में अंतर की वजह से इस बार खरीदी केंद्र सूने पड़े रहे। किसानों के पास गेहूं समाप्त होने और व्यापारियों के पास गेहूं का भंडार होने की वजह से अब सरकारी खरीद बढ़ने की उम्मीद कम ही नजर आ रही है। व्यापारियों के पास गेहूं का भंडारण होने से गेहूं के बाजार भाव में उतार चढ़ाव है। गेहूं निर्यात के चलते गेहूं की मांग बढ़ने पर भारी मात्रा में गेहूं बाहर भेजा गया। परिणाम स्वरूप गेहूं का बाजार रेट शुरू से ही सरकारी घोषित रेट से अधिक रहा। सरकारी खरीद केंद्रों पर गेहूं बिक्री को नाममात्र ही किसान पहुंचे। व्यापारियों ने खेतों और किसानों के घरों से ही गेहूं खरीद लिया था। खाद्यान्न व्यापारियों की माने तो अब किसानों के पास नाममात्र गेहूं ही रह गया है, जो उनकी रोजमर्रा की जरूरत के लिहाज से बचा है। गेहूं अब व्यापारियों के पास पहुंच गया है, इससे अब रेट में रोज उतार चढ़ाव हो रहा है। किसानों के पास गेहूं ना बचने पर अब सरकारी खरीद ना बढ़ पाने का अंदेशा अफसर भी जताने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।